उदयपुर जिले के झड़ोल उदयपुर नेशनल हाईवे 58 ई पर एक चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कार में धुआं निकलते देख ड्राइवर ने कार रोक ली। कार सवार सभी लोगों ने तत्परता दिखाई और कार से दूर भाग गए। आग से कार धू धू करके जलने लगी। कार महज 20 मिनट में पूरी जलकर खाक हो गई। कार फोर्ड कंपनी की फिगो थी और 8 साल पुरानी थी। सूचना पर नगर निगम की एक फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। सुल्तान जी का खेरवाड़ा निवासी कार मालिक कन्हैया लाल कुमावत अपने रिश्तेदार नाथू लाल और हिम्मत के साथ उदयपुर खरीदारी करने जा रहे थे। इसी दौरान अचानक कार में धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद कन्हैया लाल ने कार रोक दी और कार से दूर भाग गए। इसके बाद अचानक बोनेट से कार में आग लगना शुरू हो गई और बढ़ती रही। निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 58E के पुराना मार्ग होने की वजह से 58E के पुराना मार्ग होने की वजह से और संकरा होने की वजह से जाम लग गया। दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। आसपास जंगल होने की वजह से मौके पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का इंतजार करना पड़ा। सूचना पर उदयपुर नगर निगम से एक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। कुमावत पेशे से LIC एजेंट है। कार में आग के दौरान कई पॉलिसियों और कुछ दस्तावेज रखे हुए थे। उन्होंने कार में बॉक्स में 120,000 रुपए की नकदी भी रखी थी, वो भी जलकर खाक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।